भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय चरण करेंगे सब लोग साथ में करेंगे। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं रायीम नेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपादे। श्रियवाममय सबजगजानि करो प्रणाम जोनि जोरपानि जनक सुता जननी जानकी अतिशय प्रिया करुणा ताके जगपद कमलमनायो जासो कृपा निर्मल मतिपानो मनोजम ममां रुततुल्यवे जीतेन्द्रियं बुद्धिमतावरिष्ठं वातात्मजं वा नरमुत्तमोक्षम् श्रीरामदूतम् शरणं प्रपादे। बुद्धिहीन तनुजान के सुमिरो फल कुमार बल बुद्धि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मगुर सुधार वरना मन सो नमले वनवास
मुखाम्बज श्री रघुनंदयास्यमे सदास्तु सामन जुलमंगला प्रदा नीलाम्बुज मलको अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के द्वारा प्रतिष्ठापित 5 दिवसीय राम कथा के द्वितीय दिवस में आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र के इस प्राकट्य दिवस पे उनके प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य पे ये 5 दिवसीय राम कथा का आयोजन हुआ। प्रभु श्री रामचंद्र जो कि पूरी मानवता के लिए एक आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया,
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र भगवान श्री रामचंद्र ने के जीवन चरित्र से बहुत सुंदर शिक्षा हम सभी को प्राप्त होता है। हमारे आचार्यगण ऐसा कहते हैं कि प्रभु रामचंद्र ने जो जीवन में किया बस प्रत्येक मनुष्य को वही कार्य करना है। उन्होंने एक मनुष्य के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान। और हमारे आचार्यगण कहते हैं कि कृष्ण ने जो कहा वो हमें करना है, कृष्ण ने जो कहा वो करना है और राम ने जो किया वो करना है। अगर कृष्ण ने जो किया वो करेंगे तो समस्या में फंस जाएंगे। कृष्ण ने 16,108 पटरानियों से विवाह किया, हम करेंगे तो समस्या में पड़ जाएंगे, एक को संभालना भारी है। 16,108 की बात ही छोड़िए। तुम्हारे आचार्यों ने कहा कि कृष्ण राम में कोई अंतर नहीं है, लेकिन कृष्ण ने जो कहा, कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवद गीता कहा, वो मनुष्यों के को जो कहा वो मनुष्यों को करना है हम सभी को। और प्रभु रामचंद्र ने जो किया जीवन में बस उन कार्यों को हमको दोहराना है। जीवन सफल मनुष्य जीवन। आज पूरा विश्व जो है राममय, पूरे विश्व में राम राम की चर्चा, क्योंकि अयोध्या में प्रभु रामचंद्र का वास्तविक रूप से प्राकट्य अब हुआ। मैं अयोध्या की महिमा को पढ़ रहा था, स्कंद पुराण को मैं पढ़ रहा था। स्कंद पुराण में अयोध्या की महिमा का वर्णन आता है कि अयोध्या कैसी नगरी है, तो स्वयं शिव जी अपने पुत्र कार्तिकेय को बता रहे हैं कि अयोध्या नगरी की महिमा का वर्णन करते हुए स्वयं शिव जी यह कह रहे हैं। स्कंद पुराण में इसका वर्णन आता है, अयोध्या विधिवा दृष्ट्वा पुरीं मुक्येक साधनिम् सर्व पाप विनिर्मुक्ता प्रयान्ति हरिमन्दिरम्। अयोध्या धाम का वर्णन करते हुए स्वयं शिव जी कह रहे हैं कि अयोध्या विधिवत दृष्टा, अगर कोई अयोध्या धाम का दर्शन करता है, अयोध्या धाम जो कि सात पुरियों में से एक पुरी है, आप सबको मालूम होगा सात पुरी है, और अयोध्या नगरी जो है सप्त पुरियों में से प्रथम पुरी अयोध्या है, और उस अयोध्या नगरी का जो स्मरण करता है, चिंतन करता है और उसका दर्शन करता है, केवल अयोध्या का दर्शन करने मात्र से शिव जी कह रहे हैं सर्व पाप विनिर्मुक्त्वा, व्यक्ति सभी प्रकार के पाप से मुक्त हो जाता है। अयोध्या नगरी, अयोध्या धाम पहले से है, लेकिन भगवान के प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद अब जो अयोध्या का रूप होगा, अब जो अयोध्या में लोगों की इतनी भीड़, इतना दर्शन करने का मैंने सुना कि इतनी भीड़ जम चुकी है, लोग खड़े हैं दर्शन के लिए कि कब जो है रामलला का दर्शन होगा। लोग बड़े प्रेम से इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको दर्शन होगा रामलला का। बड़ी संख्या में जो है, जो आज तक नहीं हुआ था,
पूरे विश्व भर से लोग जो है अब अयोध्या की तरफ भाग रहे हैं और इस अयोध्या का दर्शन करेंगे। शिव जी कहे कि इस अयोध्या का दर्शन करने मात्र से व्यक्ति के जीवन के सभी प्रकार के पाप जो है नष्ट हो जाएंगे, सभी प्रकार के। और इतना ही नहीं, अयोध्या धाम का कोई दर्शन करता है तो शिव जी कहते हैं प्रयांति हरि मंदिरम, कि दर्शन करने मात्र से वो व्यक्ति, वो मनुष्य जो है जीवन का जो सर्व सिद्धि है वह है प्रभु रामचंद्र को प्राप्त करना, प्रभु राम के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करना, प्रभु रामचंद्र के चरणों में अपने प्रेम को प्राप्त करना। और प्रभु रामचंद्र के धाम को व्यक्ति प्राप्त कर लेता है केवल अयोध्या का दर्शन करने से। सोचिए आज प्रतिष्ठा, रामलला का अगर प्रतिष्ठा नहीं होता तो कितने लोग अयोध्या जाते थे? बहुत कम जाते थे अयोध्या। लेकिन आज रामलला का प्रतिष्ठा जब हुआ तो भीड़ बढ़ती चल रही है दर्शन करने के लिए। अब दर्शन करने से सभी का मंगल होने वाला है। अयोध्या नगरी जो है सप्तपुरियों में से एक पुरी है, प्रथम पुरी अयोध्या को दिया गया है प्रथम स्थान। सात पुरी क्या है? गरुड़ पुराण में सप्तपुरियों का वर्णन आता है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरे द्वारवती के सप्तता मोक्षदायिका। सप्तपुरी जो कि अयोध्या नगरी प्रथम पुरी है, अयोध्या मथुरा माया अर्थात हरिद्वार, काशी नगरी कांचीपुरम, अवंतिका अर्थात उज्जैन, पुरी द्वारवती अर्थात द्वारिका नगरी जो गुजरात में है, ये भी सप्तपुरी में से एक पुरी है। और ये सप्तपुरी का जो दर्शन करता है सप्तपुरी जो है कहते हैं सप्तता मोक्षदायिका, ये व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाले पुरी है। इसलिए अब ऐसे पुरियों में दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत से जुड़ेंगे तो ऐसे पुरियों का दर्शन हम कराते ही रहते हैं। अभी भी हमारी मई में यात्रा निकल रही है। कहाँ की यात्रा? अयोध्या की यात्रा, अयोध्या जनकपुर नेपाल मुक्तिनाथ धाम पशुपतिनाथ, ये सब हमारी यात्रा निकल रही है। अब इस यात्रा में आपको जाना है तो आज ही हमारे भक्तों से संकल्प करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी बुकिंग कल सुबह 8 बजे हो रही है। डेट निकल चुका है लेकिन शायद अगर आप हमारे सुंदर गोपाल को जो भी भक्त हैं उनसे मिलेंगे तो आप जा सकते हैं। लेकिन डेट बुकिंग का डेट निकल चुका है, लेकिन शायद आप लोग राम कथा में आए हो तो ये निकल गया मुख से कि अगर आपको आना है तो अपना नाम दीजिए और कल सुबह जो है उसकी बुकिंग निकलने वाली है। तो इन सप्त मैं कह रहा हूं कि इन सप्तपुरियों में व्यक्ति को जाना चाहिए दर्शन करने के लिए, क्योंकि ये पुरी जो है व्यक्ति को सुख आनंद और मोक्ष को प्राप्त कराने वाली ये पुरी है। अयोध्या नगरी में भगवान रामलला का प्राकट्य हुआ और उनके उपलक्ष्य में हमने ये जो संकल्प लिया है कि हम राम कथा का श्रवण करेंगे, ये राम कथा जो है वास्तविक में जीवन का जीव का परम भोजन अगर कोई है तो वह है कथा, राम कथा। हम शरीर को देखिए, इस शरीर को हम अनेक प्रकार से सजाते हैं, अनेक प्रकार से इसको अन्न पानी देकर जो है इसको बड़ा केयर करते हैं, लेकिन वास्तविक में अगर देखा जाए तो हमें शरीर नहीं है। अगर ये शरीर होते तो एक व्यक्ति जिसको मृत्यु बोलते हैं, मृत्यु होने के बाद उसका बॉडी पड़ा रहता है, फिर भी लोग बोलते वो चला गया। क्या चला गया?
व्यक्ति का जो अखा शरीर तो पूरा सामने पड़ा हुआ है, चला क्या गया? बोला नहीं, वो चला गया, फलाना व्यक्ति का चला गया। इसका मतलब क्या है कि जो चला गया उसमें और जो शरीर अभी जमीन पे पड़ा हुआ है उसमें अंतर है। क्योंकि अगर अंतर नहीं होता तो ऐसा नहीं बोला जाता कि वो चला गया। तो हम इस शरीर नहीं है, हम क्या है? आत्मा है। तो हम शरीर को दिन प्रतिदिन तो भोजन देते हैं, शरीर को बहुत केयर करते हैं, लेकिन वास्तविक में जो हमारी पहचान है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, उस आत्मा को हम भोजन नहीं देते हैं। अगर जीवन का जीवन में अनेक प्रकार के दुख हैं, तो उन दुखों का प्रमुख एक कारण है कि हम अपने आप को शरीर मान बैठे, जो है नहीं उसको मान बैठे हैं। ये अज्ञानता के कारण हमारे जीवन में दुख है। तो शरीर को तो भोजन देते हैं लेकिन आत्मा को भोजन नहीं देते हैं। तो आत्मा का भोजन क्या है? शरीर का भोजन अन्न है, लेकिन आत्मा का भोजन क्या है? कथा, भगवान की कथा, ये आत्मा का परम भोजन है। और जितना हम भगवत कथा श्रवण करेंगे उतना ही हमारे जीवन में सुख और आनंद की प्राप्ति होगा। तो एकमात्र जो है कथा को श्रवण करना ही जीव का परम भोजन है। राम कथा का श्रवण करने से मानो वैसे ही सुख की प्राप्ति होता है। गोस्वामी जी कहते हैं बड़ी सुंदर बात को कि अगर कोई राम कथा का श्रवण करता है तो जैसे एक जंगल में, बहुत घना जंगल है, और उस जंगल में कभी कभी क्या होता है, गर्मी के समय एक वृक्ष दूसरे वृक्ष के घर्षण से जंगल में अग्नि लग जाता है, और अग्नि लगता है और धीरे धीरे उस जंगल में वो अग्नि जो है विकराल बनती जाती है, और जंगल में अनेक प्रकार के पशु पक्षी जानवर अनेक प्रकार के जीव रहते हैं, सभी बहुत व्याकुल हो जाते हैं, और बहुत सारे पक्षी इत्यादि वो सब उड़ जाते हैं, अनेक प्रकार के जीव जो है वो अनेक प्रकार के कष्टों को भुगतते हैं। लेकिन उस जंगल में भरी अग्नि में, जंगल की अग्नि जब लगती है ना, उसको बुझाया नहीं जा सकता है, भयंकर अग्नि होता है, उसको बुझा पाना संभव नहीं है। उस जंगल की उस अग्नि में सभी जीवात्मा दुखी होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख अगर किसी को प्राप्त होता है ना, वह है गजराज, हाथी जो कि विकाल, विशाल उसका शरीर होता है, और वो जंगल में इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर भागता फिरता है, अग्नि के चपेट, अग्नि का जो प्रभाव है, अग्नि का जो कष्ट है वो सहन करते हुए इधर से उधर जंगल में विचरण कर रहा, भाग रहा है कि कहां अग्नि नहीं, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है। छोटे मोटे जीवाणु होते हैं वो तो किसी बिल में घुस जाते हैं, पक्षियां उड़ जाती हैं, लेकिन ये गजराज हाथी इतना बड़ा विशाल शरीर लेकर उस ताप को सहन करते हुए जंगल में विचरण कर रहा है, दुख को प्राप्त कर रहा है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि उस तड़पते हुए हाथी को जंगल में से भागते 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 कहीं नदी का किनारा मिला, और वो उस नदी में कूद पड़ा, जो सुख की प्राप्ति उसको होता है वही सुख की प्राप्ति जो कोई राम कथा को ध्यान से श्रवण करता है उसे प्राप्त हो जाता है। अगर हम कथा को ध्यान से श्रवण करेंगे तो जो सुख, आप विचार कल्पना करिए थोड़ा, वो कितना तड़प रहा था वो हाथी, लेकिन जैसे ही उसको पानी प्राप्त हुआ, वो नदी प्राप्त हुआ, उस नदी में जब घुसा, नदी में जब गया, तो जो उसको सुख आनंद की प्राप्ति हुआ, अगर ध्यान से कथा हम श्रवण करेंगे तो वही सुख की प्राप्ति हमें भी होगा। राम कथा देखिए, हमारे जीवन में अनेक प्रकार के दुख हैं, उन दुखों का अगर हम मेजर करेंगे कि ये दुख का प्रमुख कारण क्या है, हमारा जो मन है ना, गोस्वामी जी कहते हैं कि हमारा जो मन है हमको अनेक प्रकार के दुख देता है।
मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा दुख देने का अगर कोई सबसे बड़ा शत्रु है उसका, तो उसका मन है। हमारा मन ही सबसे बड़ा शत्रु है। शास्त्रों में कहा गया है, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंधन मोक्षे बांधाय विषया संगे निर्मुक्त विषया मनः। ये हमारा जो मन है ना, मन ही हमारे बंधन का कारण है और मन ही हमारे मोक्ष का कारण है। जितने भी सुख और दुख होते हैं ना, जितने भी हम जो अनुभव करते हैं सुख दुख, ये सारे सुख दुख अगर आप थोड़ा से भी विचार करेंगे, ये सारे सुख और दुख हमारे कहां पे है? मन के अंदर है। लेकिन इस मन को अगर हम भगवान राम की कथा को श्रवण करने में लगाएंगे, तो ये मन हमको सुख देगा और हमको मोक्ष की प्राप्ति कराएगा। लेकिन इसी मन को अगर हम भौतिक संसार के कार्यों में लगा के रखेंगे, जो कि हमने लगा के रखा है, और उसका रिजल्ट क्या है कि हम हमारे जीवन में अनेक प्रकार के दुख हैं, और वो व्यक्ति बंधन में पड़ जाता है और उसके सत्यानाश का कारण भी उसका मन ही बन जाता है। इसलिए दो प्रकार के सरोवर का वर्णन जो है गोस्वामी जी कहते हैं रामायण में, दो प्रकार के सरोवर का वर्णन करते हैं कि हिमालय में मान सरोवर है। ये मान सरोवर जहां पे व्यक्ति को मान सरोवर में जाकर स्नान करना है तो व्यक्ति को जाना पड़ता है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि एक और सरोवर है, वो सरोवर का नाम है रामचरितमानस सरोवर। ये मानस सरोवर जो है व्यक्ति को जाना नहीं पड़ता है, ये मानस सरोवर व्यक्ति के पास चल के आता है, जैसे आया हुआ है। जिस सरोवर में हम डुबकी मार रहे हैं, जिस सरोवर में हम स्नान करने का इन 5 दिनों का संकल्प लिए हैं, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मानस सरोवर में व्यक्ति को जाके इतना लंबा जाके स्नान करना पड़ता है। जैसे हम भी जा रहे हैं मानस सरोवर, इतना लंबा पहुंचेंगे नेपाल में, जो है पहुंचेंगे जहां पे सिम, यहाँ का भारत की सिम बंद हो जाएगी, वहां के बहुत सारे नियम होंगे, कितना सारा समस्या, कितना सारा तकलीफ को उठाएंगे, तो मानस सरोवर पहुंचेंगे। तो मान सरोवर में स्नान करना है तो व्यक्ति को कठिन परिश्रम करके जाना पड़ता है। लेकिन ये मानस सरोवर जो है व्यक्ति को जाना नहीं पड़ता है, मानस सरोवर व्यक्ति के पास आ जाता है। मान सरोवर में जो है मान सरोवर पानी से भरा हुआ है, लेकिन ये मानस सरोवर जो है साधु संतों की वाणी से भरा हुआ है। मान सरोवर पानी से भरा है, मानस सरोवर जो है साधु संतों की वाणी से भरा है। उस मान सरोवर में कोई गया, डुबकी मारा, तो भरोसा नहीं, वो डूबा और मरा, कोई भरोसा नहीं है। कुछ भरोसा है ऐसी जिंदगी का? क्या भरोसा है इसे जिंदगी का, साथ देते नहीं है किसी का। डुबकी लगा तो कोई भरोसा नहीं, डूबा। लेकिन मानस सरोवर जो है, जो कि साधु संतों की वाणी से भरा है, और उसमें कोई डुबकी मारा तो इस भव सागर से उतर जाएगा। ये मानस सरोवर जो है वो स्वामी जी के मुखारविंद से निकला। तो ये सरोवर में हमको डुबकी मारना है। इस सरोवर में डुबकी मारने के लिए क्या योग्यता है बताए?
मान सरोवर में जाके स्नान करने के लिए बहुत कठिन मेहनत परिश्रम करना पड़ेगा जाने के लिए, लेकिन इस मानस सरोवर में डुबकी मारने के लिए एक ही योग्यता, वो योग्यता क्या है, ध्यान पूर्वक इस मानस सरोवर में स्नान करना है, इस ध्यान पूर्वक हमको इस राम कथा को श्रवण करना है। व्यक्ति तर जाएगा। गत सत्र में राम कथा के गत सत्र में प्रथम दिवस में हमने श्रवण किया। देखिए ये जो हमारा संकल्प हुआ, वैसे पूरे रामायण में 7 कांड है, तो जब ये संकल्प लिया गया तो मेरा मन में जो विचार चल रहा था कि क्या कौन सी कथा, क्योंकि इतना 7 कांड है, इसको पूरा संपूर्ण कथा रामायण की तो हो नहीं सकती 5 दिनों में, वो भी 2-2 घंटे 1.5 घंटे में। तो मैं विचार कर रहा था मन में, ऐसा विचार जब करते करते आया कि प्रभु रामचंद्र जो है का प्रतिष्ठा दिवस जो है, उनका बाल स्वरूप का अयोध्या में प्रतिष्ठा हो रहा है, तो क्यों नहीं हम इस रामायण के बाल कांड की कथा करें, ये संकल्प हमारा हुआ। तो हम जो 5 दिनों में जो है ये रामायण की बाल कांड की ही कथा को श्रवण करने वाले हैं। अंतिम दिन देखेंगे अरण्य में या कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर से, लेकिन मुख्यतः जो हमारी कथा प्रारंभ हुई है कल से, वो जो है रामायण के बाल कांड की कथा है। गत सत्र में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार से शिवजी सती के साथ कुंभज के आश्रम में गए और कुंभज ऋषि के मुखारविंद से राम कथा को श्रवण किया, और राम कथा को श्रवण किया शिवजी परम आनंद में कथा श्रवण किए, और जो है कुंभज के आश्रम से निकलकर जब वो दंडक वन से होकर गुजर रहे थे तो हमने देखा कि शिवजी को प्रभु रामचंद्र का दर्शन हुआ। शिवजी बड़ा प्रसन्न हुए, प्रभु का दर्शन करके भगवान राम को शिवजी प्रणाम करने लगे, और जब प्रणाम कर रहे थे तो सती ने प्रश्न किया कि प्रभु आप किसको प्रणाम कर रहे हो। हमने अभी श्रवण किया कि शिवजी ने उत्तर दिया कि देवी जिस प्रभु का कथा श्रवण करके आ रहे हैं हम ना, उस प्रभु का दर्शन प्राप्त हुआ। देखिए कथा श्रवण करने के लिए कल हमने सूत गोस्वामी ने कहा कि सौभाग्यशाली जिसके जीवन में अनेक पुण्य उदय होते हैं उसको राम कथा श्रवण करने का लाभ प्राप्त होता है। अनेक पुण्यों का फल जो है राम कथा श्रवण करने का। प्रश्न हो कि राम कथा श्रवण करने का फल क्या है? राम कथा श्रवण करने का फल है जो कल शिव जी राम कथा श्रवण किए तो शिव जी को राम कथा श्रवण करने का फल स्वयं भगवान प्रभु रामचंद्र का दर्शन प्राप्त हुआ। ये राम कथा श्रवण करने का फल। शिव जी परम आनंद में, लेकिन सती का ने विश्वास नहीं किया कि ये प्रभु ये भगवान है, क्योंकि सती ने जो दृश्य देखा कि ये भगवान कैसे हो सकता है, ये मनुष्यों की भांति अपने पत्नी के विरह में रो रहा है, ये अपनी पत्नी को खोज कर रहा है, ये कैसे भगवान हो सकता है, रोने वाला व्यक्ति भगवान हो सकता है क्या? लेकिन सती को ये पता नहीं था कि प्रभु तो मनुष्य नर लीला कर रहे हैं, एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं, इस सती को पता नहीं था। और सती ने भगवान के चरण कमलों में भी अपराध किया और उनके ऊपर अविश्वास जाहिर किया। हमने ये भी श्रवण किया कि शिवजी ने अनेक बार समझाया सती को कि सती हे देवी मान जाओ यही राम है, लेकिन सती ने नहीं माना, बोले कि अगर ये राम है तो मैं इसकी परीक्षा लूंगी। इस प्रकार के सती के वचनों को सुनकर उस समय शिवजी जो है ने यह सोच लिया कि अब सती को समझाया नहीं जा सकता। मन ही मन से शिव जी ने सोचा होई सोई जो राम रचि राखा, होई सोई जो राम रचि राखा, ओ ईश्वर।
कहा कि सती मान नहीं रही है, शिव जी ने ये विचार किया कि अब जो होगा वो सब राम ने लिख दिया है, वही होने वाला है। तर्क करने का कोई विचार शिव जी ने किया नहीं, शिव जी ने यह सोच लिया कि अब जो चाहेंगे प्रभु रामचंद्र वही होगा। देखिए हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है ना, ये सब कुछ लिख दिया गया है, सब कुछ पहले से तय है। जो होने वाला है जीवन में वो होगा। अच्छा ये बताइए कि कौन व्यक्ति है यहाँ पे जो दुखी होना चाहता है? कोई? कोई नहीं है, लेकिन फिर भी दुख आता है कि नहीं आता है? आता है ना, प्रचुर मात्रा में आता है। हम दुख को नहीं चाहते लेकिन फिर भी दुख आता है, क्यों? क्योंकि वो लिखा हुआ है, पहले से रच दिया गया है। जो शिव जी ने, देखिए शिव जी बड़े सिद्धांत को प्रस्तुत कर रहे हैं, सीखना चाहिए कि जब ही मामला हमारे हाथ से निकल जाता है तो बस ये मानना चाहिए कि जो होने वाला हो होगा ही। तो जो कुछ रच दिया गया है वही होने वाला है। हम जीवन में कितना भी प्रयास कर ले, अगर हमारे जीवन में दुख है तो हमको दुख मिलेंगे। हम हमारे जीवन में कितना भी प्रयास कर ले सुख प्राप्त करने के लिए, लेकिन जितना सुख लिखा गया है उतना ही सुख प्राप्त होने वाला है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। मेहनत करके व्यक्ति सोचता है कि मैं बहुत धन कमा लूंगा, लेकिन याद रखिए कि मेहनत करने के बाद भी व्यक्ति को उतना ही प्राप्त होगा जितना उसके जीवन में लिखा गया है। इसको समझने का विचार करिएगा। एक व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, मैंने ऐसे लोगों को देखा है अपने जीवन में। मुंबई में जब मैं रहता था तो उस समय मैंने देखा हूं कि लोग जानवर की तरह बोझा ढोते हैं, उस गाड़ी को अपने कंधे पर रस्सी लगा कर खींचते हैं, बेचारा दिन भर गधे की तरह मेहनत करते हैं, वजन उठा कर लेकर चलते हैं, और उस व्यक्ति को शाम को रोटी, हाँ चार रोटी नसीब नहीं होते हैं। बहुत थोड़े बहुत धन की प्राप्ति होता है दिन भर दिन रहा जो है गधे की तरह मेहनत करने के बाद। लेकिन ऐसे लोगों को भी मैंने देखा हूं जो कुछ नहीं करते हैं, बड़े बंगलों में बैठे हैं, सोए हैं, और नौकर चाकर उनको अनेक प्रकार के जो है छप्पन भोग प्रदान कर रहे हैं। कैसे सुख अगर मेहनत करने पे ही मिलता तो ये मेहनत करने वाला व्यक्ति धनवान हो जाता, लेकिन नहीं। क्यों? जितना भाग्य में है उससे ऊपर कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए अपने भाग्य के ऊपर विश्वास करिए। देखिए इस संसार का जो सुख है ना, ये थोड़े थोड़े मैं सिद्धांत को बताते चलता हूं, क्योंकि देखिए हमको कथा से हमको सीख भी प्राप्त करना है जिसको अपने जीवन में उतारना है। कि ये जो सुख और दुख ना, व्यक्ति को भाग्य के अनुसार प्राप्त होता है, इसके लिए मेहनत प्रयास करने की जरूरत नहीं। उतना ही प्रयास करना है जितना जरूरत है, जरूरत से ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाग्य में है हमें उतना ही प्राप्त होगा। मैं हमेशा एक कथा का वर्णन करता हूं इस बात को समझाने के लिए कि जो भाग्य में लिखा है वही मिलने वाला है। ध्यान से सुनिएगा, ये छोटी सी कथा है लेकिन बहुत शिक्षा प्रद है कि हमारे भाग्य में। देखिए हम प्रयास करते हैं संसार के वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, इससे मैं सुखी हो जाऊंगा, इससे सुखी हो जाऊंगा, लेकिन वास्तव में प्रयास जो है भक्ति प्राप्त करने के लिए करना चाहिए, राम कथा श्रवण करने के लिए प्रयास करना चाहिए। क्योंकि संसार की वस्तुएं हैं तो जो भाग्य में लिखा है वही प्राप्त होने वाली है। एक व्यक्ति ऐसे ही कथा श्रवण कर रहा था, कोई एक साधु महात्मा कथा श्रवण करा रहे थे। महात्मा ने कहा कि अपने
सत्र में महात्मा कह रहे थे कि भाग्य के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में प्रतिदिन जो कुछ भी घटित होता है वो भाग्य के अनुसार ही घटित होता है। तो एक व्यक्ति उस सत्संग में से खड़ा हुआ, महाराज महाराज आपने बोला कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वो भाग्य के अनुसार ही हमको प्राप्त होता है, क्या घटित होता है? तो आप मुझे बताइए कि कल मेरे भाग्य में क्या खाना लिखा है, ये प्रश्न किया उस सत्संग से एक व्यक्ति ने साधु महात्मा को। महात्मा भी उन्होंने देखा, उन्होंने बोला चलो प्रश्न पूछा ही है। तो महात्मा ने कहा कि कल तुम्हारे जीवन में, कल के दिन तुम्हारे भाग्य में जो है खीर खाना लिखा है। सुनिएगा इसको ध्यान से, आप निश्चित रूप से समझ पाओगे कि भाग्य के अनुसार जो अभी सोचा ना, यहाँ पे शिव जी ने क्या सोचा, राम ने रच, जो रच गया है वही होने वाला है। इस व्यक्ति ने यह विचार किया, थोड़ा सा कम, थोड़ा स्लो रहो। इस व्यक्ति ने यह विचार किया कि ये महात्मा की बातों को मैं झूठा साबित करूंगा, बस केवल 4 फुट ऊपर आसन में बैठ के बड़े बड़े प्रवचन देता है, मेरे भाग्य में कल खीर खाना लिखा है, मैं नहीं खाऊंगा खीर। अभी व्यक्ति घर गया, कथा सुना, घर गया, जैसे आप लोग भी बाद में जाओगे। व्यक्ति घर गया और मन में यही विचार चल रहा है कि कल मुझे क्या करना है, खीर नहीं खाना है। लेकिन विचार कर रहा था रात को कि अभी रात्रि को तो सोऊंगा, अभी तो खाना पीना तो है नहीं, लेकिन सुबह अगर कहीं पता नहीं घर पे कोई बना दिया और पता चला पत्नी ने जबरदस्ती खिला दिया तो गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, इसलिए वो सुबह सुबह उठा और जंगल में निकल गया। और उसके मन में यही विचार चल रहा था कि मैं इस साधु के वचन को झूठा करूंगा, ये तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि भाग्य में जो लिखा है वही होता है। सुबह उस व्यक्ति उठ के जंगल में चला गया और जंगल में जाकर जो है बैठा एक पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे बैठा और बोला अब जंगल में आ गया हूं, यहां पे कौन सी खीर बनने वाली पकने वाली है, बस दिन भर जंगल में व्यतीत करूंगा और शाम को सीधा लैंड करूंगा उस कथा मंडप में और उस साधु को झूठा साबित करूंगा कि कुछ भी बोलता है। थोड़ी देर में उसको विचार आया कि अरे पेड़ के नीचे बैठा हूं, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए उसने क्या किया, उसी पेड़ के ऊपर वृक्ष पे चढ़ के बैठ गया। अब वृक्ष के शिखर पे बैठा हुआ है, लेकिन एक घटना घटी। देखिए भाग्य का खेल कैसे चलता है, ध्यान से सुनिएगा। घटना घटी कि कुछ चोर जो है, कुछ डकैती, डकैत जो है चोर और डाकू लोग कुछ किसी गांव को या कुछ जगह को लूट कर उस जंगल के रास्ते से निकल रहे थे, और उसी समय जो है कुछ उस जंगल में उस गांव के ही कुछ चरवाहे बच्चे गोपाल इत्यादि अपने गायों को चराकर उस जंगल के रास्ते से निकल रहे थे। जंगल के रास्ते से निकल रहे थे तो उन ग्वाल वालों को जो है थोड़ा भूख लगा, तो उस भूख लगा है करके एक ग्वाल वाल ने कहा कि भूख लगा क्या करे क्या करे, दूसरे ने कहा हमारे पास गाय है, रुकते हैं जो है दूध निकालते हैं, खीर पकाते हैं और खाते हैं और निकलते हैं। एक ग्वाल बाल आए अपने गायों को उसी पेड़ के नीचे रोके, कौन से पेड़ के नीचे, जिस पेड़ के ऊपर जो है वो बंदा बैठा हुआ है, कहीं और का नहीं था, वापी का ही था। अभी वो ऊपर से देख रहा है क्या हो रहा है, मैं खीर खाने के चक्कर में घर से बाहर, न खाने के चक्कर में घर से बाहर जंगल में इस पेड़ के शिखर में बैठा, खीर पेड़ के नीचे ही पकना था। ग्वाल वालों ने सुंदर दूध निकाला और बैठकर जो है खीर पकाने लगे, मस्त खीर पकने लगी और उसका सुगंध जो है उसको जाने लगा ऊपर। उसी समय वो जो डाकू लोग जो है जंगल के रास्ते से जा रहे थे वो भी उसी रास्ता को पकड़े, और घोड़ों की आवाज आया जब ही तो एक ग्वाल वालों ने सोचा कि लगता है डाकू लोग आ रहे हैं, लगता है डाकू लोग आ रहे हैं। तुरंत ये लोग डर गए कि डाकू आ रहे हैं, डाकू क्या करे क्या करे, बोले चलो अभी जल्दी से भागे, जान बचे तो लाखों पाए।
किसी ने कहा खीर को तो खा लेते, लगभग पक चुकी थी, बोला अरे खीर फिर से बना लेंगे, चलो कहियों के लेके भागते नहीं थे, डाकू मार डालेंगे उनको, सबके सब भाग गए। अब डाकू लोग उधर पहुंचे, कहां पे पहुंचे, जिस पेड़ के ऊपर वो बैठा हुआ है वापी वाला व्यक्ति, और उस पेड़ के नीचे खीर भी पक रही है, लेकिन कोई है नहीं। डाकू के सरदार ने देखा कि वो सुंदर खीर पक रहा है, हाँ अभी पक गया लगभग, लगता है कि ग्वाल बाल इधर थे, हमारे डर से, हमारे आने के डर से लोग भाग गए, कोई बात नहीं, चलो भूख लगा है, रसा स्वादन करते हैं, सुंदर खीर बना है। जो डाकुओं का सरदार था बोला कि रुक जाओ अभी यहाँ पे थोड़ा खीर खा लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं। तो सरदार, डाकुओं का सरदार उस खीर को लिया, खाने जा रहा था, तो सरदारों का जो मंत्री था, वो सरदार का जो मंत्री था, उस मंत्री ने कहा राजन रुक जाओ, हम लोग डाका डाल के आ रहे हैं, बहुत सारा माल पानी हमारे पास है, किसी का षड्यंत्र तो होगा, अगर इस खीर में जहर मिला दिया होगा तो हम खाएंगे, बेहोश होंगे और सारा हमारा माल लेके चला जाएगा। सरदार ने कहा कि बात तो एक टकी की, लाख टकी की बात किया तुमने। सरदार ने कहा कि अब खीर अभी पक रही है, अगर किसी ने षड्यंत्र रचा तो ये आसपास ही होगा, निकलो चारों दिशाओं में, ढूंढो कौन ऐसा कार्य किया है। सरदार का आदेश, सारे मंत्री जो है, सारे सैनिक जो है, ढूंढने चारों दिशाओं में निकले, ढूंढते ढूंढते बहुत देर के बाद वापस आए, बोले कोई मिला ही नहीं। तो उस टोली में एक काना व्यक्ति था, जब ढूंढते ढूंढते सब आ गए तो काने व्यक्ति का अचानक जो है नजर जो उस पृच्छ के ऊपर गया, सरदार चोर मिल गया, जिसने षड्यंत्र रचा वो मिल गया, देखो पेड़ पे बैठा हुआ है। सरदार ने कहा नीचे लेकर आओ, सरदार ने पहले बोला नीचे आओ तुम। उसने बोला मैंने खीर नहीं पकाया है। बोला तुम नीचे तो पहले आओ, नीचे नहीं आ रहा तो, और ऊपर से चिल्ला रहा है कि मुझे खीर नहीं खाना है। क्योंकि उसने तो संकल्प लिया था खीर न खाने का, आ नहीं रहा था। तो सरदार ने बोला जा चढ़ के उसको नीचे खसीट के लेकर आओ, उसको जबरदस्ती नीचे लेके आएगा। उसने कहा कि महाराज सरदार मैंने खीर नहीं बनाया है। बोला अच्छा नहीं बनाया है? बोला नहीं हमने खीर नहीं बनाया है। देखो हमने ना तो खीर बनाया ना तो पाया ना तो कोई षड्यंत्र रचा है, लेकिन देखो मुझे खीर तो नहीं खाना है। उसने बोला देखो खीर तो तुमको खाना पड़ेगा, अगर षड्यंत्र नहीं रचा है तो खीर खाओ। अब एक मना करें मुझे खीर नहीं खाना था, ये तो लोग डबल कंफर्म हो गए कि निश्चित रूप से इसने जहर मिला है, नहीं तो खा क्यों नहीं रहा है। अब उसको पकड़ा गया, वो वापी वाले व्यक्ति को पकड़ा गया, जबरदस्ती उसका मुंह खोला गया, खीर ठूठ उसके भरा गया, ले ठीक है। भाग्य का खेल देखिए, जो भाग्य में था मिला उसको, न चाह के भी मिला। जैसे हम सुख के लिए प्रयत्न करते हैं, हम दुख के लिए प्रयत्न न आए, दुख कितना प्रयत्न करते हैं लेकिन फिर भी दुख आता है कि नहीं आता है, आता है। इसी प्रकार सुख भी हमारे जीवन में आएगा, इसलिए जितना जरूरी है उतना कार्य करो। गधे की तरह दिन रात मेहनत करने की जरूरत नहीं है। शिव जी ने यहां पे ये आदर्श प्रस्तुत किया कि अब जो होगा वो सब राम जो चाहे, इसलिए शिव जी उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। हमने कलकत्ता सुना कि किस प्रकार से शिव जी नाम का जप करने लगे, लेकिन ये सती जो है गई, क्या करने के लिए सती गई, परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि उसको भगवान में विश्वास नहीं था कि ये मनुष्यों की भांति अपने पत्नी के विरह में रोने वाला है भगवान, हो ही नहीं सकता है, अगर है तो मैं परीक्षा लूंगी। परीक्षा लेने के लिए निकली सी हो जो है सती, लेकिन परीक्षा लेने के लिए उसने क्या किया, उसने परीक्षा लेने के लिए सीता का रूप धारण किया। उसने सोचा कि क्या परीक्षा लूं, तो उनके मन में विचार आया कि ये जो है सीता अपने पत्नी को खोज रहा है, सीता को खोज रहा है, अगर वास्तव में
कि अगर भगवान होगा तो मुझे पहचान जाएगा। सीता सती ने सीता का रूप धारण किया और रामचंद्र जी सीता की खोज में है और जो है सीता सती जो है सीता के वेश में रूप धारण करके राम के आगे जाके खड़ी हुई। उस समय प्रभु रामचंद्र हालांकि सीता को खोज रहे थे, उस जंगल के पशु पक्षियों पेड़ पौधों सबसे पूछ रहे थे, क्या तुमने मेरे मृग नयनी सीता को देखा है? हे खग मृग है, हे खग मृग है, अनुपम श्रेणी, हे खग मृग है, अनुपम श्रेणी, तुम देखे सीता मृग नयनी, तुम देखे सीता मृग नयनी। उस जंगल के खग मृग पेड़ पौधों से हाँ भगवान राम पूछ रहे हैं कि क्या तुमने मृग नयनी सीता को देखा है? भगवान राम इस प्रकार की याचना करे और सामने सीता खड़ी, लेकिन वो सीता नहीं कौन सती रूप धारण करके सीता के खड़ी। जैसे ही भगवान ने देखा कि सीता सामने, लेकिन भगवान तो तुरंत समझ गए, सब कुछ जानने वाले भगवान समझ तुरंत गए और तुरंत भगवान राम ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान ने तुरंत हाथ जोड़कर प्रणाम किया और प्रणाम करके बोला, माते आप इस घने जंगल में सीता का रूप है, लेकिन प्रभु ने प्रणाम करके क्या बोला कि माते आप इस घने जंगल में, आप इस घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हैं? आपके प्रभु शिव जी कहां हैं? भगवान राम ने पहचाना, मानो उस समय सती ने ये वचन जब भगवान राम के मुख से निकला, मानो सती को अब ऐसा महसूस हो रहा है जमीन फटे, मैं अंदर चली जाओ। इस प्रकार सती को बड़ा अफसोस हुआ। अब सती को जो है चारों बाजू जो है केवल राम 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 राम, केवल चारों बाजू राम ही राम दिख रहे हैं। जैसे आज हाँ प्रभु राम लला के प्रतिष्ठा पे सब जगह चारों विश्व में राम 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 राम, केवल राम ही राम। इसी प्रकार सीता को जैसे सीता ने जैसे सती ने इस भगवान से वचन सुना कि माते प्रणाम किया, तुरंत सीता को बड़ा हाँ सती को बड़ा लज्जा महसूस हुआ। भगवान रामचंद्र ने प्रणाम, हमारे आचार्य कहते हैं कि भगवान राम प्रणाम क्यों किए? भगवान राम ने प्रणाम इसलिए कहा किया क्योंकि ये जो सती थी आगे आगे खड़ी हुई सीता के रूप में, तो भगवान ने सोचा कि जो आगे आता है, जो आगे होता है वो गुरु होता है, वो मां होते हैं पिता होता है जो आगे चलते हैं, इसलिए भगवान राम ने प्रणाम किया। और आचार्य हमारे कहते हैं कि भगवान राम ने इसलिए प्रणाम किया क्योंकि भगवान राम सोच रहे थे कि हाय रे माया, ये माया इतनी दुष्कर है, हाय रे माया तुमने सती को भी नहीं छोड़ा, कितना भयंकर ये माया है कि व्यक्ति को बड़े से बड़े तपस्वी बड़े से बड़े ऋषियों को भी ये माया अपने चंगुल में फंसा लेती है। तो मानो प्रभु रामचंद्र माया को प्रणाम कर रहे हैं और सती को कहे कि आप अकेले महादेव कहां हैं? सती को बहुत लज्जा महसूस हुई। अब सती यह सोचने लगी कि मैंने अपने पति देव शंकर का बात क्यों नहीं माना, मैं शंकर कर कहा न माना, अफसोस करके रो रही है अब सती। अब निकली तुरंत वहां पर, सती गई थी परीक्षा लेने के लिए, परीक्षा के प्रथम प्रश्न में ही एक शब्द प्रभु रामचंद्र ने बोला, फेल हो गई। तुरंत वहां से निकली और अफसोस करते हुए निकली कि मैं शंकर का कहा न माना, निज अज्ञान राम पद आना, मैंने शंकर के बात को अपने पति के बात को नहीं माना,
और मैंने प्रभु राम के भगवान से परीक्षा लेने के लिए निकल पड़ी। अफसोस करके वहां से निकली, मन पछताने लगा, लेकिन मन पछतावे क्या करे जब चिड़िया चग गई के। सती को बड़ा पछतावा हुआ। अब सती वापस आई, देखिए ध्यान से सुनिएगा। अब सती वापस किसके पास आए? शिवजी के पास आए। शिवजी उस वट वृक्ष के नीचे बैठकर नाम जप कर रहे थे। जब सती शिव के पास जब आए, शिव ने सती को देखा, शिव ने सती को देखा और गोस्वामी जी कहते हैं, गई समीप महेश तब हसी पूछी कुछ लाज। थोड़ी देर पहले ही सती परीक्षा लेने गई थी, लेकिन सती वापस आई तो शिव जी मुस्कुराते हुए पूछ रहे हैं कि कैसे हो तुम, कुशल, क्या हालचाल है। सोचो कोई व्यक्ति दो चार दिनों से गया हुआ है, आता है तो हालचाल पूछा जाता है। थोड़ी देर पहले ही गई थी और थोड़ी देर में वापस आई और शिव जी पूछ रहे कि क्या हालचाल है बताओ, क्योंकि शिव जी को पता था कि ये जो परीक्षा लेने गई है ना, अब वापस आई है तो इसका हालचाल पूछना बहुत जरूरी है। शिव जी को पता था। सती, जब शिव जी ने सती से पूछा कि तुमने परीक्षा ले ली देवी, तुम्हारी परीक्षा हो गई, तो सती ने कहा, क्या सती ने कहा, कछु ना परीक्षा लेनी गोसाई। देखिए झूठ, परीक्षा ली थी उसने, लेकिन क्या कहा है यहां पे, झूठ बोल रही है। क्या बोल रही है, कछु ना परीक्षा ले गोसाई। अच्छा परीक्षा नहीं लिया तुमने, शिव जी ने पूछा, परीक्षा नहीं लिया तुमने, नहीं, फिर क्या किया? तो कहते कीन प्रणाम तुम रिहना ही, जैसे आपने प्रणाम किया ना, बस मैं गई और राम को प्रणाम करके वापस आ गई। झूठ। वो स्वामी जी कहते हैं कि ये सती की जो गलती हुई, क्या क्या गलती हुई सती का अब तक। सबसे पहले कुंभज के आश्रम में गई, कुंभज के ऋषि हैं, कुंभज के चरण कमलों में प्रास को, उस साधु में अश्रद्धा हुआ, साधु में अश्रद्धा हुआ और कथा में सो गई, कथा के प्रति अश्रद्धा हुआ, और उसके बाद भगवान को नहीं पहचाना, भगवान में अश्रद्धा हुआ और अपने पति के बात को नहीं माना और भगवान की परीक्षा करने चली और सीता का रूप धारण किया। इतने सारे गलतियां सती ने किया, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि इतने सारे गलतियां भी उसकी माफ हो जाती थी अगर महादेव के सामने अगर झूठ नहीं बोलती हो। हमारे जीवन में अनेक प्रकार के हम पाप कृत्य कार्य करते हैं, अनेक प्रकार की गलतियां करते हैं, लेकिन गुरु के सामने उस पापों का अगर इजहार कर देना, सारे पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाए। लेकिन सती ने झूठ बोला, शिव जी से झूठ बोला, जिसके कारण शिव जी ने सोचा कि सती ऐसा तो हो नहीं सकता है कि परीक्षा नहीं दी होगी। शिव जी ने थोड़ा सा ध्यान दिया और ध्यान में उन्होंने देखा और ध्यान में देखा कि सती गई और परीक्षा लेने के लिए और मेरे भगवान राम के सामने मेरी मां का रूप धारण किया। शिव जी के रोंगटे खड़े हो गए। शिव जी ने देखा कि सती ने परीक्षा के मुझसे झूठ बोल रही है और इसने परीक्षा लिया भगवान का और मेरी मां का रूप धारण किया। अब शिव जी मन ही मन ये सोच रहे हैं, देखिए शिव जी मन ही मन सोच रहे हैं कि सती ने मेरी मां का रूप धारण किया, अब मैं सती के साथ रहूं तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, अब सती के साथ मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता क्योंकि मेरे मां सीता का रूप इसने धारण किया। मन ही मन यह संकल्प ले रहे हैं। देखिए बड़ी बहुत सुंदर विचार सिद्धांत है कि अगर हम प्रभु रामचंद्र के चरण कमलों में हमारा रति है, हम भी भक्ति कर रहे हैं। कभी कभी भक्ति करने वाला व्यक्ति होता है ना, आता है, भक्ति करता है, नाम जप करता है और वो बोलता है कि ये संसार माया है, पत्नी माया है, बच्चे माया है, हाँ सब कुछ ये कोई काम के नहीं है, इस प्रकार की बातें, बड़ी बड़ी बातें करता है। शिव से सीखना चाहिए कि उसको इस समय ऐसी परिस्थिति में क्या सोचना चाहिए।
माया है संसार, एक परिवार, पत्नी बच्चे माया नहीं, माया उसके दिमाग में घुस गया है। शिव जी ने जब देखा कि ये सती ने मेरी माँ का रूप धारण किया है, तो उस समय शिव जी ने मुख से ये बैराग की जो है मुख से प्रदर्शित नहीं किया, कुछ मुख से बैराग्य को दिखाया नहीं, मन ही मन शिव जी ने संकल्प लिया कि अब मैं सती के साथ एक क्षण भी रहूं तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो, और मन ही मन शिव जी ने सती का त्याग कर दिया। लेकिन कहां पे त्याग किया? मन में त्याग किया, बाहर प्रकट नहीं किया। कहां किया? मन में त्याग कर दिया। और जैसे ही शिव जी ने मन ही मन सती को त्याग किया, उस समय देवता लोग पुष्प की वर्षा करने लगे, क्योंकि ये जो त्याग है सबसे बड़ा त्याग है, क्योंकि पत्नी के प्रति जो प्रेम है बड़ा घनिष्ठ प्रेम होता है व्यक्ति का। देखिए, धन से व्यक्ति आसक्त होता है, लेकिन धन से आसक्ति ना एक तरफा आसक्ति है। व्यक्ति धन से आसक्त होता है लेकिन धन व्यक्ति से नहीं आसक्त होता है। धन के प्रति आसक्ति, धन के प्रति प्रेम जो है एक तरफा प्रेम है, लेकिन पत्नी के प्रति जो प्रेम है वो दोनों तरफ से प्रेम है। इसलिए उसको त्याग करना एक बहुत बड़ा संकल्प है। इसलिए जैसे ही शिव जी ने एक संकल्प लिया, देवता लोग पुष्प की वर्षा करने लगे। सती ने कहा कि पतिदेव, प्रभु आपने कोई संकल्प लिया? सती पूछ रहे, क्योंकि देवता पुष्प की वर्षा किए, तो सती ने पूछा कि आपने कोई संकल्प लिया? तो शिव जी ने कहा कि नहीं 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 देवी, मैंने कोई संकल्प नहीं लिया, ये देवता लोग का तो काम है हमेशा पुष्प की वर्षा करते रहते, क्या करें, चलो हम निकलते हैं, कैलाश निकलते हैं, घर चलते हैं। सती को लेकर जो है शिव जी उस दंडक वन से लेके निकले, लेकिन मन में वैराग्य उत्पन्न हो चुका था। जैसे ही कैलाश में शिव जी पहुंचे, गोस्वामी जी कहते हैं, बीते सम पत सहस सताशी। शिव जी जैसे ही कैलाश में पहुंचे, अब शिव जी की समाधि लग गई। शिव जी समाधि में चले गए, एक दो साल नहीं, 87 वर्षों तक जो है शिव जी की समाधि लग गई। मन ही मन सती को त्याग कर दिए थे और समाधि में चले गए। 87 साल तक शिव जी समाधि में रहे, और सती भी शिव की समाधि खुलने का इंतजार कर रही है। 87 वर्षों के बाद जो है शिव जी ने जब उनकी समाधि टूटी और मुख से जो राम नाम का कीर्तन उच्चारण होने लगा, तो ये धुन जो है सती के कानों में पहुंचा, और सती के कानों में जो इतने सालों से इंतजार कर रही थी कि शिव की समाधि टूटे, जैसे ही शब्द जो है सती के कानों में गया, उस समय जो है सती भागते हुए अपने पति शिव के पास आई। शिव जी आशुतोष हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी ने देखा कि सती बड़ी दुखी है, इसलिए शिव जी सती को कथा श्रवण कराने लगे। देखिए, सोचिए कि सती ने 87 वर्षों तक इंतजार किया शिव की समाधि खुलने के लिए, 87 वर्षों का इंतजार, कितना बड़ा दुख सती के, क्योंकि दुख से व्यतीत हो रही है ना, भगवान राम की परीक्षा लिया इस प्रकार की, और स्वयं का पति जो है 87 वर्षों तक उससे बात नहीं कर किया, कितना बड़ा दुख सती का। लेकिन इस सती के दुख को दूर करने के लिए शिव जी ने सती को राम कथा सुनाना प्रारंभ किया, क्योंकि कथा ही एकमात्र ऐसा वस्तु है जो व्यक्ति के जीवन में सुख ला सकता है, दूसरा और कोई उपाय नहीं है जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए। अब यहां पे शिव जी सती को कथा सुनाने लगे। इस कथा को यहां पे होल्ड रखिएगा। उसी समय एक और घटना घटी। एक घटना क्या घटा कि ब्रह्मा जी ने जो प्रजापतियों का शिव सती को कथा सुना रहे हैं, इसको होल्ड रखिएगा, क्योंकि ये लिंक अभी मिलाना है सबको।
इसलिए ध्यान से सुनिएगा, तब जाके आनंद आएगा। शिव इधर सती को कथा सुना रहा है, उसी समय एक घटना और घटी कि ब्रह्मा जी ने दक्ष को सभी प्रजापतियों का राजा बनाया था। ब्रह्मा जी दक्ष प्रजापति को सभी प्रजापतियों का राजा बनाया था, और दक्ष प्रजापति जो है, ये दक्ष प्रजापति कौन? सती का पिताश्री। जैसे ही सभी प्रजापतियों का राजा दक्ष बना और राजा बना, पद मिला, व्यक्ति के पास जब पद और प्रतिष्ठा आता है ना, उस समय व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है। संसार में ऐसा देखा गया है कि पद प्रतिष्ठा पाकर व्यक्ति पैजामे से बाहर हो जाता है, किसी का सुनता नहीं, अहंकार में घूमता रहता है। इसलिए पद और प्रतिष्ठा जो है ना, ये जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए हमारे गौड़िया धारा के श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि ये पद और प्रतिष्ठा जो है, कहते हैं पद प्रतिष्ठा मान प्रतिष्ठा सुकने रविष्ठा, ये सुअर के विष्ठा के समान है। ये पद पर प्रतिष्ठा पाकर इंद्र को जब राजा बनाया गया, तो इंद्र भी प्रतिष्ठा पाकर जब सिंहासन में बैठा ना, जिस गुरु की कृपा से राजा बना उसी बृहस्पति, जब वो सभा में आ रहे थे तो इंद्र खड़ा नहीं हुआ अपने सीट से, गुरु के चरण कमलों में अपराध कर बैठा। पद प्रतिष्ठा पाकर जो है दुर्वासा के ऋषि के चरण कमलों में अपराध कर बैठा। समुद्र मंथन की कथा। ये जो धन, कुंती महारानी कहते हैं कि धन जो है व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार के, ये मान प्रतिष्ठा जो है ना, अनेक प्रकार के जीवन में दुख लेकर आते हैं। धन ऐश्वर्य सुत श्री भी एद माना मद कुमार। जब व्यक्ति के जीवन में धन ज्यादा होता है, देखिए जरूरत से ज्यादा धन भी समस्या का कारण बन जाता है। भागवत के एकादश स्कंद में वर्णन है कि जब व्यक्ति के पास जरूरत से ज्यादा धन आता है ना, वो 15 प्रकार के क्लेश कलश जीवन में लेकर आता है साथ में। जरूरत से ज्यादा धन व्यक्ति के दुख का कारण बनता है। दक्ष ने सभा बुलाया। ये दक्ष जब प्रजापतियों का राजा बना, जनरली क्या होता है जब राजा कोई बनता है तो क्या होता है, अपनी सभा को बुलाता है संबोधन देने के लिए। तो एक सभा बुलाया दक्ष प्रजापति ने, और वो दक्ष प्रजापति के उस सभा में भगवान विष्णु को छोड़कर बाकी सभी को निमंत्रण दिया था उसने। भगवान विष्णु को छोड़कर सब लोग उस सभा में आए थे, क्योंकि प्रजापतियों का ये राजा था, और प्रजापतियों का राजा होने के कारण उस सभा में विष्णु को छोड़कर सब लोग उस सभा में आए थे। दक्ष जो है सिंहासन पे बैठा हुआ है, सभी लोग सारे लोग सभा में आकर पहले से बैठ गए, सब पहले से बैठे हुए थे। उस समय जो है दक्ष प्रजापति की एंट्री उस सभा में हुई, और जब दक्ष प्रजापति की एंट्री उस सभा में जब हुई, तो उस समय जैसे ही प्रजापतियों का राजा आ रहा है, तो सभी लोग क्या हुए, अपने स्थान से खड़े हो गए। सभी लोग अपने स्थान से खड़े हुए, लेकिन शिव जी अपने स्थान से नहीं खड़े हुए। एक आचार्य कहते शिव जी क्यों नहीं खड़े हुए, शिव जी इसलिए खड़े नहीं हुए क्योंकि वो सब लोग सभा में बैठे हुए हैं, अभी राजा आएगा तो कार्यवाही शुरू होगा। तो शिव जी उस सभा में बैठे बैठे राम नाम का जप कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिव जी नाम जप कर रहे थे, और उसी समय दक्ष प्रजापति की एंट्री हुई, तो शिव जी ने देखा ही नहीं, इसलिए खड़ा नहीं हुए। सब खड़ा हुए और शिव नहीं खड़ा हुए, ये दक्ष प्रजापति ने देखा कि मैं प्रजापतियों का राजा, अहंकार तो हो ही गया था, प्रजापतियों का राजा मैं सभा में जब आया तो ये खड़ा नहीं हुआ मेरे स्वागत करने के लिए। दक्ष को यहां पे लग गया, इतने सारे लोगों ने स्वागत किया, वो उसको नहीं दिखा, वहां पे सारे ऋषिगण थे, ब्रह्मा थे, अनेक प्रजापति सभी
सारे प्रजापति लोग वहां पे उपस्थित थे, सब लोग उपस्थित थे। मैंने कहा विष्णु को छोड़कर सब लोग उपस्थित थे, सबने सम्मान दिया, एक व्यक्ति ने नहीं दिया तो टिक गई। ऐसा होता है, दुनिया सम्मान दे रही है, बहुत सारे लोग सम्मान दे रहे हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति ने कुछ बोल दिया था बस वो यहां पे लगता है, बस उससे जीवन भर खार खा बैठता बैठते। दक्ष ने ये दृश्य देखकर जो है, दक्ष शिव को उस भरी सभा में शिव बैठे हुए भरी सभा में जो है वो शिव का अपमान करने लगा कि शिव कौन है, इसी दक्ष प्रजापति के दामाद है। अपमान करते हुए क्या बोल रहा है कि शिव ये जानता नहीं, इसको बुद्धि से अकल नहीं है इसको। दक्ष पूरी सभा में सबके सामने ये बात को बोलने लगा कि शिव इसको बुद्धि नहीं बिल्कुल, कि कोई बड़ा व्यक्ति जब आता है तो उठ के खड़ा हो जाना चाहिए, इसको समझ नहीं बिल्कुल, इसे बिल्कुल ज्ञान नहीं है, मूर्ख कहीं का। इस प्रकार जो है शिव जी को बड़ा 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 भूला करने लगा। और ये शिव जो है, इसने तो मेरी बेटी का घर ही उजाड़ दिया है, मैंने तो सोचा था कि कोई अच्छा अच्छा व्यक्ति से शादी करने जा रहा हूं, लेकिन जब मेरी बेटी विवाह करके गई उसके लिए घर तक आज तक नहीं किया, और भूतों के साथ रहता है, शमशान में रहता है, दुनिया के लोग स्नान करते हैं, पता नहीं कितने दिनों से स्नान नहीं किया होगा। भरी सभा में अपमानजनक बात है, पता नहीं कितने दिन हो गया होगा इस सैलून में नहीं गया होगा, किसी ने उस सभा से उठकर खड़ा हुआ, अगर ऐसा ही था तो तुम्हारे बेटे का शादी क्यों कराया। उसने कहा कि ऐसा था ये, लेकिन ये ब्रह्मा जी ने, दाढ़ी वाले ब्रह्मा जी जो है ना, इन्होंने कहा कि शादी करा दो और शादी के बाद सुधर जाएगा। तो मैं तो सोचा कि शादी के बाद सुधर जाएगा, लेकिन ये तो शादी के बाद और बिगड़ गया, बहुत अपमान करने लगा दक्ष प्रजापति। भरी सभा में शिव जी को बड़ा बुरा बुरा कहने लगा। अब इस दक्ष प्रजापति ये भला बुरा कहते कहते कंटिन्यू फ्लो में चलता है, जब भी व्यक्ति किसी को गाली देता है ना, फिर वो किसी को सुनता नहीं है। जितना मन हुआ वो दक्ष प्रजापति शिव का अपमान कर करके उस भरी सभा से निकल गया। दक्ष प्रजापति बाहर। अब यहां पे नंदी ने सोचा मेरे स्वामी का मेरे स्वामी को इतना बला रख दिया। नंदी को लग गया, नंदी कौन, शिव जी का वाहन जिसपे शिव जी चलते हैं। नंदी को बहुत रहा नहीं गया, शिव जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो कौन है, कर्पूर गौरम करुणावतारम। शिव जी को 1% भी फर्क नहीं पड़ा कि दक्ष प्रजापति ने भरी सभा में मेरा अपमान किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन नंदी को लग गया, और नंदी ने देखा कि मेरे स्वामी का इतना भरा पूरा मेरे स्वामी को कह रहे। और नंदी ने उस सभा में, दक्ष तो चला गया था, उस सभा में नंदी खड़ा होकर कहने लगा कि इस सभा में सब लोगों ने मेरे स्वामी का अपराध को सुना, इस सभा के सभी लोग, दक्ष के जितने भी प्रजापति, सब लोग जो है वेद विहीन कार्य करने लगे, श्राप दे दिया सबको। वहां पे भृगु ऋषि बैठे हुए थे, भृगु ऋषि ने सोचा कि न लेना न देना, बिना मतलब का श्राप दे रहा है। हम तो आए थे इस सभा में, बैठे बुलाया गया था हमको, कुछ लेना न देना, ये बिना मतलब का श्राप दे रहा है। भृगु ने भी श्राप दे दिया कि शिव के जितने भी गढ़ है वो पाखंडी हो जाए। इधर नंदी श्राप दे रहा है और उधर भृगु ऋषि भी श्राप दे रहा है कि शिव के सारे घर पाखंडी बन जाए, पाखंड को प्राप्त कर जाए। उस सभा में श्रापा श्रापी चलने लगा। शिव जी ने देखा कि अब यहां ज्यादा रुका तो समस्या बहुत बड़ा बन जाएगा। शिव जी ने नंदी को लिए और शिव जी वहां से प्रस्थान कर लिए। उस सभा में सब लोग विचलित हो चुके थे, लेकिन शिव जी जैसे के तैसे
कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्रा। अब शिवजी भी निकल गए वापस। अब कथा वहीं पे जहां पे मैंने अभी स्टॉप किया था ना, सती को शिवजी कथा जब इस समाधि से उठे सती को कथा सुनाने लगे, वापस कथा वहीं पे आई। अब वहां पे जोड़ लीजिए जो होल्ड किया था, वहां पे जोड़ दीजिए। अभी इधर शिवजी सती को कथा सुना रहे हैं और गोस्वामी जी कहते हैं, कहें लगन हरि कथा रसाला, रसमय कथा सुना रहे हैं शिवजी सती को। और उसी समय जो दक्ष, अब दक्ष तो उस सभा को छोड़ के चला गया था, अपमानित हुआ था और सभा को छोड़ के चला गया। अब दक्ष के मन में एक ही विचार चल रहा है कि ये शिव को मैं छोड़ूंगा नहीं। होता है ना, जब हम किसी से दुश्मनी कर बैठते हैं तो मन में दिन रात एक ही विचार चलता है, उसका कैसे अनिष्ट हो, उसका कैसे नाश हो, उसका सत्यानाश हो जाए, यही सब चलता है ना। देखो सब हंस रहे हैं, अनुभवी लोग बैठे हुए हैं। ये हमारी परिस्थिति। दक्ष के अंदर अहंकार, पद प्रतिष्ठा का ये अहंकार जो है बढ़ चुका था और कंटिन्यूअस ये विचार दक्ष कर रहा था कि मैं कैसे शिव को अपमानित करूं। दक्ष ने शिव का अपमान करने के लिए एक विशेष यज्ञ रचा। क्या किया? शिव का अपमान करने के लिए दक्ष ने एक विशेष यज्ञ बृहस्पति स्व यज्ञ का आयोजन किया। जनरली यज्ञ किसके लिए होता है? शांति के लिए यज्ञ किया जाता है, लेकिन दक्ष ने बृहस्पति स्व यज्ञ का आयोजन किया। उसका एकमात्र उद्देश्य था शिव का अपमान करना। कितना भयंकर देखिए। इसलिए जब ही समझ जाए विचार, इस दान से समझिए कि अंदर जब द्वेष आता है ना, उस द्वेष को निकालने का प्रयास करिए। उस द्वेष को अगर नहीं निकालेंगे निश्चित रूप से हम समाप्त हो जाएंगे। देखिए दक्ष का आगे चल के क्या हालत होता है। उद्देश्य जो है, इसने बृहस्पति यज्ञ रखा, उसका उद्देश्य शिव का अपमान। तो दक्ष प्रजापति ने क्या किया, सभी को निमंत्रण दिया। इंद्र चंद्र सन गंधर्व विद्याधर सभी को, जितने भी 33 कोटि सभी को निमंत्रण दिया, लेकिन शिव को निमंत्रण नहीं दिया। इस यज्ञ में भाग लेने के लिए दक्ष प्रजापति ने सभी को न्योता भेजा, सभी को कार्ड भेजा, लेकिन शिव जी को कार्ड नहीं भेजा। सोचा कि कार्ड नहीं भेजूंगा तो शिव को अपमान होगा, क्योंकि दामाद को कार्ड नहीं भेजा, भाई परिवार रिलेशन में है और उसको हमको नहीं बुलाया। होता ना, अगर हमारे संबंधी है अगर हमको बुलाए नहीं तो लगता है ना कि अरे हमारे संबंधी हमको बुलाए नहीं, हम नहीं हमको बुलाया, दुख होता है। उसको लगा कि शिव जी को दुख होगा, अपमान करूंगा। सभी को निमंत्रण दिया और सभी को आदेश दिया कि सभी लोग इस बृहस्पति यज्ञ में, बृहस्पति स्व यज्ञ में आएंगे, लेकिन रास्ता होगा कैलाश के शिखर के ऊपर से। रास्ता भी बताया कौन से रास्ते से आना है। सारे देवी देवता जो है वो आकाश मार्ग से कैलाश से होकर जो है ऊपर से जा रहे हैं। अब ये देवता भी निमंत्रण पार के भोज मिला है, निमंत्रण पाए हैं, चलो ठीक है, जो रास्ता बताया वो रास्ता से जाएंगे, क्या बात, कोई प्रॉब्लम नहीं। और होता है ना, दुश्मन का पड़ोसी, ये दुश्मन ये होता है, ऐसी चलती है ना, जैसे कि कभी कभी दुश्मनी होता है ना तो पड़ोसी है, जिससे दुश्मनी है उसके पड़ोसी को नेता देते हैं, और वो पड़ोसी निकलता, और पड़ोसी निकलता भी तो सीधा जाना चाहिए ना, तुमको निमंत्रण मिला तो वो भी पूछता, दरवाजा खटखटाता है, आपके भाई के इधर विवाह सत्संग है, आप नहीं आ रहे हैं? वो भी बड़े इस प्रकार का पूछता है कि आप नहीं आ रहे, आप भी चलिए। उसको ये नहीं पता कि हमें निमंत्रण नहीं मिला इसलिए तू जा रहा है। सभी लोग, दक्ष ने आदेश दिया था कि सभी लोग कहां से आएंगे, शिव जी के
कैलाश के ऊपर से सब लोग आएंगे, रास्ता कैलाश होगा, सारे लोग कैलाश के शिखर के ऊपर से आ रहे हैं और सती कथा सुन रही है, शिव जी कथा श्रवण करा रहे हैं। सती सुनते 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 उसने देखा कि आकाश मार्ग में आज भीड़ मची है कैलाश के ऊपर, सब लोग कहां जा रहे हैं अपने अपने वाहन पे बैठकर, सब लोग आकाश मार्ग से निकले जा रहे हैं। सती ने यह दृश्य देखा और सती ने ये पूछा कि ये हो क्या रहा है, लोग कहां जा रहे हैं। शिव जी ने कहा कि मैं कथा श्रवण करा रहा हूं, तुम कथा सुनो, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, कथा ध्यान से श्रवण करिए, इधर उधर देखे तो समस्या बढ़ेगी। देखिए सती ने इधर उधर देखा, अब सती के भी जीवन में समस्या शुरू, इसलिए ध्यान से कथा श्रवण करिए। सती ने एक देवता को रोककर पूछा कि तुम लोग जा कहां रहे हो। उस देवता ने कहा अरे आपको नहीं पता आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, अरे बुलावा निमंत्रण भेजा, आपको निमंत्रण नहीं आया, आपको नहीं पता आपके पिता जो है बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है, बृहस्पति सव यज्ञ का आयोजन किया, आपको नहीं बुलावा भेजा, आपको पता ही नहीं। सती ने कहा कि मुझे तो नहीं पता। सती शिव के पास आई, बोले प्रभु पिताजी ने बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है, हमें भी जाना चाहिए। तो शिव जी ने कहा कि नहीं, निमंत्रण नहीं मिला है। सती ने कहा कि मेरे पिताजी निमंत्रण देना भूल गए होंगे, कोई संबंधी अपना ना इतना नजदीक का रिश्ता है तो वहां पर निमंत्रण की क्या जरूरत है, हमको जाना चाहिए। शिव जी ने कहा कि सती नहीं, अगर निमंत्रण देना भूल गए हैं तो जाना चाहिए, लेकिन जानबूझकर निमंत्रण नहीं दिया है तो उस स्थान पे नहीं जाना चाहिए। निमंत्रण जो है जानबूझकर नहीं दिया गया है। सती तुम बैठो, मैं कथा श्रवण कराता हूं। सती के मन में तो अब उथल पुथल, अब पिताजी यज्ञ करे इतना बड़ा आयोजन, सारे 33 कोटि सब देवता जा रहे हैं, अब सती के मन में तो उथल पुथल होगा ही, मुझे भी जाना, मुझे भी जाना, और नहीं हमें चलना चाहिए। सती लाख बार 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 बोल रही है शिव को कि नहीं चलिए, हमें जाना चाहिए, हमें जाना चाहिए। शिव जी बार बार मना किए लेकिन सती नहीं माने, अनेक प्रकार के समझाने के बाद भी सती नहीं मानी। और फिर अंतिम बार स्त्रियां क्या लेती है, फिर दुखी हो जाती हैं और बोलते आप हमें तो मायके जाने ही नहीं देते कभी, अगर आप हमें मायके नहीं जाने देंगे तो ये देखो जहर का बोतल हम पी के पी लेंगे यहीं पे। फिर धमकी चालू हो जाता है कि हमें जाने नहीं दे रहे हैं, दुखी होने लगी। शिव जी ने देखा कि सती अब इतना दुखी हो रही है, अगर इसको ये गई नहीं वहां पे तो यहां मरेगी, अगर गई नहीं तो यहां मरेगी। और शिव जी मना इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये अगर वहां गई तो मेरा वो यज्ञ किस लिए रखा गया था, मेरा अपमान करने के लिए। शिव जी ये सोच रहे हैं कि मेरा अपमान करने के लिए यज्ञ रखा गया है और सती वहां जाएगी और जब मेरा अपमान होगा तो सहन नहीं कर पाएगी, वहां मरेगी, इसलिए मना कर रहे थे कि जाने के लिए। लेकिन इसकी जीत जब हुई तो सती ने सोचा, शिव जी ने सोचा कि अगर इसको जाने नहीं दूंगा तो यहां मरेगी और जाएगी तो वहां, मरना तो इसका पक्का है, एक काम करे बाप के घर पे ही मरे तो अच्छा है, यहां मरेगी तो ऐसे भी खार खाया हुआ है दक्ष, बिना मतलब का केस कर देगा तो कहां जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाऊंगा, मेरा भजन चला जाएगा। जाओ नंदी को बोला भाई ले जा, लेके जा, मरना तो इसका पक्का है, अब वहां मरे यहां मरे। शिव जी अपने भजन में नाम जाप करने लगे। अब जो है सती जो है नंदी के ऊपर सवार होकर जो है गई अपने पिता के इस यज्ञ में दक्ष के, और सती ही नंदी के साथ में सर्वप्रथम जब गई, बहुत सारा भीड़ था लेकिन सर्वप्रथम वो अपने माँ के पास गई, सीधे अपने माँ प्रसूति के पास गई और माँ के पास जाकर पूछा कि माता सभी को निमंत्रण दिया, माँ हमको क्यों निमंत्रण नहीं दिया।
तो उस समय सती की मां ने प्रसूति ने सारा दृष्टांत बताया कि बेटी तुम्हारे पिता जो है तुम्हारे पति से द्रोह कर बैठे हैं, वो अपमान का बदला लेना चाहते हैं। शिव खड़े नहीं हुए उस सभा में उस अपमान का बदला करने के लिए, बदला लेने के लिए ये इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन किया गया है और जानबूझकर निमंत्रण नहीं दिया है। सती की मां ने सारा दृष्टांत बताया। उस समय जैसे ही सती की मां ने सारा दृष्टांत बताया, उस समय ये सुनकर सती को क्रोध आ गया। सती को क्रोध आया और सती जो है उस सभा में जहां पे सारे लोग उपस्थित हो चुके हैं उस सभा में प्रवेश करके एक उच्च आसन पे खड़े होकर जो है जोर जोर से उच्चारण करने लगे और गोस्वामी जी कहने लगे, सुन हो सुनांदा कहीं सुने शंकर कहीं सुनी दिन शंकर निंदा उस सभा में सती जो है उच्च आसन पे बैठी, उस उच्च आसन पे खड़ी होकर जाकर आवाज लगाने लगी कि हे सभासद के सारे लोग ध्यान से सुनिए, जितने लोग भी यहाँ पे आए हैं मेरी बात को ध्यान से श्रवण करिए सुनिए, जिसने भी शंकर की निंदा किया है, जिसने भी शंकर की निंदा किया है उस आसन पे से खड़ी होकर सती चिल्लाने लगी, आवाज करने लगी, मेरे पति का जिसने भी निंदा किया है उन सबका विनाश होगा, सबका विनाश होगा। मेरे पिता कहते हैं ना, मेरे पिता कहते हैं कि शिव भस्म क्यों लगाते हैं, अरे वो ये दिखाते हैं प्रस्तुत करते हैं कि ये संसार का हर एक मनुष्य एक दिन शमशान का भस्म बनने वाला है, अनेक प्रकार की शिक्षा और बोलते हैं ना मेरे पिता, इस चिल्ला रही है सती सभा में खड़ी होकर। और मेरे पिताजी कहते हैं कि मेरा पति भूत प्रेतों के साथ रहता है, अरे उसको क्या मालूम कि मेरे पति जो है कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, करुणा के अवतार है, संसार के लोग सभी को प्रचार तो करते हैं, मनुष्यों को प्रचार करते हैं, लेकिन भूत प्रेतों को कौन प्रचार करता है, वो मेरे पति भूत प्रेतों को प्रचार करते हैं, मेरे पति इन भूत प्रेतों का उद्धार करते हैं, उनको क्या मालूम कि भूत प्रेतों का उद्धार करने के लिए उन भूत प्रेतों के साथ करते हैं। उस समय सती जो है उस सभा में रहकर चिल्लाने लगी कि जिन किसी ने भृगु ऋषि इत्यादि सब लोगों ने मेरे पति की निंदा सुना ना, सभी का विनाश होगा, सबका विनाश होगा, मैं सती। अब सती अपने आप को थू थू करने लगी कि मैं ये सती जिस बाप की बेटी हूं, मुझे लानत है ऐसे बाप के ऊपर जो सती की निंदा करता है, जो सती का, जो शिव जी का अपमान करता है, मैं ऐसे दक्ष के बेटी हूं, अब मैं इस शरीर को धारण नहीं करूंगी। सती ने थू थू करते हुए इस शरीर से योग अग्नि प्रकट हुई सती के, और उस योग अग्नि में सती प्रवेश कर अपने आप को भस्म कर ली। और उस समय गोस्वामी जी ऐलान करते हैं कि सती मरण हरि संग वर मांगा, जन्म जन्म मोहे शिव पद अनुरागा। सती उस सभा में योग अग्नि प्रकट करके भस्म हो गई, क्योंकि वो अपने पति शिव के अपमान को सहन नहीं कर पाई। लेकिन जब योग अग्नि में प्रवेश कर रही थी, उस समय प्रवेश करते करते एक ही इच्छा था उसका, गोस्वामी जी कहते सती मरण हरि संग वर मांगा, वो मृत्यु के समय उसका एक ही मन, एक ही इच्छा था कि मेरे जीवन में कितना भी मेरा जन्म हो, उस जन्म में बार बार मुझे शिव जैसा पति प्राप्त हो। और अंत काले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम्।
कृष्ण गीता में कहते हैं अंत काल में जैसी मति वैसी गति, और सी ये सती जो है अपने प्राण को उस सभा में अपने प्राण को त्याग दिया सती ने। जैसे ही सती के प्राण यहां पे छूटे उस समय नारद मुनि ने दृश्य देखा। नारद मुनि तुरंत उस सभा को छोड़कर तुरंत निकले कैलाश के पास। कैलाश के पास जाकर शिव जी के पास गए, शिव जी वहां पे नाम जप कर रहे थे और नारद जी जाकर जो फटकार लगाया कि जब देखो तब नाम नाम राम नाम जपते रहते हो, कुछ पता है कि नहीं। अरे उधर आपकी पत्नी सती ने देह त्याग कर लिया, वो अयोगाग्नि में प्रवेश कर गई। जैसे ही शिव ने यह सुना कि सती अग्नि में प्रवेश कर गई, शिव का जो आक्रोश है उस आक्रोश को वर्णन कर रहे हैं गोस्वामी जी। समाचार जब शंकर पाए वीर मात्र करी को उठाए, समाचार जब शंकर पाए वीर भद्र करि को पाए, समाचार जब शंकर पाए वीर भद्र करि को पाए। नारद मुनि जैसे जाकर शिव को यह मैसेज दिए, उधर आपकी पत्नी सती ने देह त्याग कर दिया, योगाग्नि में प्रवेश कर गई, उसकी मृत्यु हो गई। शिव जी का पूर्ण आक्रोश, शिव जी इतना क्रोधित हुए कि अपने आसन से उठ के खड़े हो गए। शिव जी का क्रोध, शिव जी ने अपने जटा से एक बाल निकाला और धरती पे पटके, और उस जटा के बाल जैसे ही धरती पे पटके एक विकराल पुरुष प्रकट हुआ, भयंकर पुरुष प्रकट हुआ। और वो भयंकर पुरुष मुख से महादेव महादेव करते हुए वीरभद्र नामक एक भयंकर पुरुष प्रकट हुआ। वीरभद्र नामक ये इतना भयंकर था, आइए उस भयंकर दृष्टि को प्रकट हुआ शिव जी ने। अब शिव जी श्रीभद्र को प्रकट किए भेजने के लिए कि जाओ उस यज्ञ को ध्वंस कर दो। पूर्ण आक्रोश सती के मृत्यु का खबर, सती के अग्नि प्रवेश का खबर सुनकर जो है शिव जी पूर्ण आक्रोश में हो गए। शिवजी का पूर्ण आक्रोश, इतना क्रोध हुआ शिवजी को हो कि उन्होंने भयंकर जो है एक विकराल पुरुष वीरभद्र के रूप में प्रकट किया। वीरभद्र जब प्रकट हुआ तो उस समय उसके शरीर का वर्णन करते हुए जो स्वामी जी कहते हैं कि उसका शरीर जो है आकाश को छू रहा था, भयंकर शरीर। वीरभद्र के हजारों भुजाएं, वीरभद्र बादल के समान उसका घोर श्याम वर्ण, वीरभद्र का सूर्य के समान चमकता हुआ उसका नेत्र, वीरभद्र के तीन तीन नेत्र सूर्य के समान चमक रहे थे। वीरभद्र के भयंकर जबड़े, वीरभद्र के झलकती लपलपाती उसकी जीवा एकदम तलवार की तरह उसकी जीवा, भयंकर पुरुष भुजाओं में अनेक प्रकार के हथियार को लेकर जो है वो शिव जी के सामने महादेव महादेव करते हुए प्रकट हुआ। हर अलगम हरगम ब्रह्मांड हले कराल
हरणम नाथ दंतम हरे परमेश्वर मौज हरे पशुपालन काम पाल करे। महादेव महादेव करते हुए वीरभद्र भगवान शिव के सामने खड़ा है। शिव ने कहा वीरभद्र जाओ उस दक्ष के यज्ञशाला में विध्वंस कर दो उस यज्ञ को, और जैसा जिसने अपराध किया है जिसने जैसा अपराध किया उसको वैसा वैसा दंड दो। दसों दिशाओं में मानो जैसे ही ये आदेश पाया वीरभद्र ने शिव जी के मुख से और वो निकला और दसों दिशाओं में प्रलय के समान अंधकार असमय में वर्षा होने लगा, बादल गरजने लगे। वीरभद्र जब निकला तो आकाश में बादल असमय में वर्षा बादल गरजने लगे। शिव के उस वीरभद्र के साथ शिव के सभी गण चले, क्योंकि आज मौका मिला है। आज जिस प्रभु की भक्ति कर रहे हैं जिनके संरक्षण में जो प्रभु आज तक उनका पालन पोषण करने वाले हैं, ये सारे गण जो है वीरभद्र के साथ में चले दक्ष के यज्ञ में। दक्ष के यज्ञ में पहुंचते ही कुछ गण जो है दक्ष के यज्ञशाला को तोड़ने लगे, दक्ष के यज्ञशाला को तोड़ फोड़ करने लगे, और कुछ गण जो है दक्ष के सभा मंडप को तोड़ दिए, कुछ गण जो है दक्ष के हवन मंडप को तोड़ दिया, कुछ दक्ष जो यजमान के रहने का जगह था उस जगह को विध्वंस कर दिया, कुछ गण जो है पाकशाला जो जहाँ पे भोग द्रव्य इत्यादि पकते थे उस पाकशाला को तहस नहस कर दिया, कुछ गण जो है दक्ष की अनेक पत्नियां दक्ष की पत्नियों को जाकर ये सारे गण जो है डराने लगे, दक्ष पत्नियों के साथ में जाकर उनको भयानक भयानक डरावना, कुछ गण जो है पत्थर फेंकने लगे। आज विनाश निश्चित है, सखी ने कहा था ना सबका विनाश निश्चित है, सारे यज्ञ को तहस नहस कर दिया, हाहाकार मच गया, सबको ये समझ में आने लगा सभी 33 कोट को कि शिव द्रोह, अगर शिव से किसने भी द्रोह किया ब्रह्मा ने भी द्रोह किया तो उसका भी कल्याण नहीं है, तत्व से क्या चीज है शिव द्रोही, जिसने भी शिव से द्रोह किया है उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता है। ये सारे गण जो है दक्ष के यज्ञ सभा को विध्वंस कर दिए, आज विनाश निश्चित है। वीरभद्र उस सभा में बीच में जाकर वीरभद्र चिल्लाने लगा कि असली शत्रु कहाँ है, दक्ष कहाँ है, दक्ष को ढूंढने लगा। दक्ष को ढूंढते ढूंढते वीरभद्र ने दक्ष के पास जाने से पहले रास्ते में भृगु मुनि मिल गए। जब इस शिव का अपमान हो रहा था ना, भृगु मुनि अपने दाढ़ी पे हाथ फेर रहे थे, देख रहे थे शिव का अपमान, देख रहे थे दाढ़ी पे हाथ फेर रहे थे। वीरभद्र ने भृगु ऋषि के दाढ़ी को पकड़ा और नोच डाला, मेरे प्रभु का अपमान हो रहा था दाढ़ी पे हाथ फेर, दाढ़ी को ना खून टपकने लगा भृगु ऋषि के। जब शिव जी का अपमान हो रहा था तो तुषा नामक जो देवता था वो बैठ कर सभा में बत्तीस दिखा रहा था, हंस रहा था। कुछ लोग होते हैं दूसरे की निंदा होती है ना बड़ा मजा एकदम, बस बड़ा प्रसन्न होते हैं, बस अच्छा हुआ हंसते हैं दांत दिखाते हैं। वीरभद्र ने तुषा नामक जो देवता था वो जब शिव का अपमान हो रहा था तो हंस रहा था, बत्तीस दिखा रहा था। वीरभद्र ने एक मुक्का मारा बत्तीसों हाथ में, हंसेगा
भव्य नामक देवता उस सभा में बैठकर जब शिव का अपमान हो रहा था तो भव्य नामक देवता जो आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा था, उस लोग को बड़ा मजा आता है जब किसी का निंदा होता है, लोग आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं। वीरभद्र ने देखा कि मेरे प्रभु शिव का अपमान हो रहा था, आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे, दोनों आंखों को हाथ में डाला और दोनों बाहर निकाला, ले रोटी के आंखों को बाहर निकाल दिया। जिसने जैसा अपराध किया उसको वैसा वैसा दंड मिलने लगा। शिव जी ने ही कहा था, जाओ जिसने जैसा अपराध किया उसको वैसा दंड दो। वीरभद्र उस सभा में प्रवेश करते करते आगे जाते जाते अब ढूंढने लगा मुख्य अपराधी किधर है, दक्ष कहां है। ढूंढते ढूंढते दक्ष के पास सामने जब दक्ष दिखा, दक्ष के पास जाकर वीरभद्र मानो जैसे कोई गरुण सांप को अपने आगे चंगुल में ले लेता है, लेके उड़कर भाग जाता है, वैसे ही वीरभद्र ने दक्ष को उस सभा से उठाकर टांग दिया ऐसा, और उसके पैर को काट दिया, उसके हाथ को काट दिया दक्ष के। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जैसे जैसे हाथ कट रहा है वापस जुड़ जा रहा है, पैर कट रहा है वापस जुड़ जा रहा है। वीरभद्र सोचा कि अरे ये बार बार जुड़ रहा है। वीरभद्र दक्ष को उठाते हुए लेकर गया उस स्थान पे, लेकर गया जहां पे बलि पशुओं की बलि देने वाला जो स्थान था उस यज्ञ कुंड के पास, उस यज्ञ कुंड के पास ले जाकर इस दक्ष के मस्तक को उस यज्ञ जो है उस बलि के स्थान पर रखा और अपने एक भुजा से चमचम चमचम तलवार को बाहर निकाला और तलवार को बाहर निकालकर महादेव करते हुए खचा उसके सर कट गया और सर कट के अग्नि में उस यज्ञ कुंड में प्रवेश किया और सर जलकर भस्म हो गया। देवारी देवारे सभी लोगों ने देखा कि अब अगर शिव जी के शरण में नहीं जाया गया तो भयंकर विनाश होने वाला है, भयंकर। इसको रोकने के लिए सब लोग, सारे देवी देवता लोग, सब लोग जो है भाग कर गए शिव जी के पास, शिव जी की शरणागति ग्रहण की, क्योंकि शिव का द्रोह जो है आज ऐसी भयंकर स्थिति। सब लोग जो जाकर शिव जी के सामने जो है प्रार्थना करने लगे। नमामि शमशानं निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदं स्वरूपं। नमामि शमशानं निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदं स्वरूपं। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहं, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं। चिदाकाशमाकाशवासं भजेहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेहं। नमामि शमशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं। नमामि शमशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं। सभी लोग शिव जी के चरण कमलों में, और शिव जी ने इन देवताओं की प्रार्थना सुनकर शिव जी शांत हो गए। फिर वही बात, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहित नमः। शिव जी को आशुतोष कहा जाता है, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इतना क्रोध था, वीरभद्र को आदेश दिया, लेकिन जैसे ही सब शरणागति को स्वीकार किए शिव जी तुरंत प्रसन्न हो गए। शिव जी को आए उस सभा में, सभा की हालत कैसी थी आप सबको पता है, अभी देखा ही आप सब लोगों ने। कुछ देवता
शिव जी के सामने जितने लोग भी हैंडीकैप हो गए थे ना, उठा उठा के लेकर आए, प्रभु आपके गढ़ों ने क्या हालत किया देखिए, आप कृपा करिए इसके ऊपर। देवता लोग जो है, जितने लोग भी हैंडीकैप हुए थे शिव जी के सामने ला रहे थे, देवताओं ने मृगो को लेकर आया, देवताओं ने कहा कि प्रभु देखिए आपके गढ़ों ने मृगो का क्या हालत कर दिया। अरे दाढ़ी निकालना है तो कैंची से काट दिए होते, बेचारे को नोच दिया, खून निकल रहा है, आप कुछ करिए इसके ऊपर, कृपा करिए। शिव जी ने कहा कि क्या कृपा करूं, देखो ओरिजिनल दाढ़ी तो नहीं आ सकता है, ओरिजिनल क्योंकि किसने उखाड़ा है, मेरे गढ़ों ने उखाड़ा है, कोई साधारण लोग थे नहीं, ओरिजिनल तो नहीं आ सकता है, कहो तो बकरे का दाढ़ी लगा दो। देवता लोग कहे कि प्रभु जो भी कुछ है लगा दीजिए, बकरे की दाढ़ी भृगु को लग गई। देवता लोग उस भग देवता को लेकर आए जिसने आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था ना अपना। देवता लोग कहने लगे कि आपके गढ़ों ने बेचारे के दोनों आंख निकाल लिया, दोनों आंख निकाल लिया, आप कृपा करिए। शिव जी ने कहा कि ओरिजिनल नहीं लग सकता है, कहो तो बकरे का लगा दो। शिव जी बकरा ही पकड़े बकरे का लगा दो, बकरे लगा दीजिए बकरे का, उसको बकरे की आंख लगा दिया। अब उस ऊषा देवता को पकड़ के लाए जिसका 32वां जो हंस रहा था ना शिव के अपमान पे, उसको लेकर आया कि प्रभु आपके गढ़ों ने इसका क्या हालत किया, बेचारा एक दो दांत छोड़ते तो कुछ खा पी सकता था, पूरा 32वां बाहर निकाल दिया। शिव जी ने कहा इसका कुछ नहीं हो सकता है, इसका हाँ कुछ नहीं हो सकता है, कहो तो इसको जूसर मशीन दे देता हूं, जूस पिलाओ इसको, इसका कुछ नहीं हो सकता है। मानो उसी दिन से शिव जी ने जूसर लॉन्च किया जूसर इसको जूस पिलाते रहो, इसका कुछ नहीं हो सकता है। देखिए जो भक्तों का अपमान होता है ना, बहुत सावधान साधु संतों का अपमान से बहुत दूर रहने का, नहीं तो ये हालत होने वाली है। अब जो है शिव जी से प्रार्थना करने लगे और जैसे तैसे करके दक्ष को लेकर आए। दक्ष का तो सिर ही कट गया था, यज्ञ में भस्म हो गया था। बोले महाराज, ये महादेव महाराज इस दक्ष के ऊपर कृपा कर दीजिए। बोले देखो ओरिजिनल तो कुछ नहीं हो सकता है, कहो तो बकरे का लगा दो। दक्ष को बकरे का सर लगा दिए। सभी देवताओं के विनती करने पे शिव जी ने ससुर जी के ऊपर भी कृपा कर दिया और बकरे का मस्तक लगा दिया। भागवत में वर्णन है कि दक्ष इस बकरे का जो है मुख प्राप्त करके बड़ा अफसोस करता था कि मैंने कहा क्या कर दिया, अहंकार वश क्या अपने को। बहुत अफसोस करते करते दक्ष ने, अभी सोचो अभी किसी को बकरे का लगा हुआ, जब वो कांच में देखता होगा बेचारा तो कैसा लगता होगा उसको। बड़ा अफसोस दक्ष को हुआ कि मैंने कहां से क्या गलती कर दिया। भागवत में वर्णन है कि धीरे धीरे ये अफसोस के कारण जो है दक्ष ने एक दिन अपने प्राण को छोड़ दिया। दूसरी ओर रामायणकार लिखते हैं क्योंकि सती वहां पे मरी थी, सती मरे मरण हरि संग वर मांगा, जन्म जन्म मोहि शिव पद अनुरागा। ये प्रार्थना करते करते सती ने अपना देह त्यागा था कि मेरा जितना भी जन्म हो उस जन्म में केवल मैं एक ही चीज प्राप्त करना चाहती हूं, मुझे शिव जैसा पति प्राप्त हो। सती का दूसरा जन्म हिमालय के यहां पे, हिमालय पर्वत की कन्या
कि यहाँ पे सती का दूसरा जन्म हुआ, पर्वत की कन्या होने के नाते उसका नाम क्या पड़ा? पार्वती। पार्वती का जब जन्म हुआ तो उसमें जो हिमालय और उनकी पत्नी दोनों बड़े प्रसन्न हुए, और जब जन्म हुआ तो उसमें नारद मुनि का जो है आगमन हुआ हिमालय के घर पे। तो नारद मुनि का जब आगमन हुआ तो उसमें हिमालय जो है अपनी कन्या को जो है नारद मुनि के सामने किए। होता है ना कि जब ये साधु संत घर में आते हैं, बच्चे घर में हैं, तो माता पिता क्या करते हैं कि अपने बच्चों को साधु संत का आशीर्वाद चाहने के लिए उसके चरण को छुआते हैं या उसे आशीर्वाद की कामना कराते हैं। तो हिमालय भी अपनी पुत्री इस पार्वती को लेकर जो है नारद मुनि के सामने किए और अनेक प्रकार की आशीर्वाद की कामना करने लगे। और उस समय नारद मुनि ने इस पार्वती के गुणों को, क्योंकि साधु नारद तो नारद है, सब कुछ जानने वाले नारद ही एक ऐसे पात्र है जो कि सब जगह जाने का उनके पास वीजा पासपोर्ट है, उनके वहां कहीं पे भी उनको नो एंट्री नहीं है, वो कभी भी किधर भी जा सकते हैं। नारद मुनि ने देखा कि ये सुंदर कन्या जो है इसका तो अद्भुत प्रभाव है, कोई साधारण कन्या नहीं है। नारद ने अनेक प्रकार के गुणों का वर्णन करने लगे हिमालय के सामने, पार्वती के उस कन्या के गुणों का वर्णन करने लगे। वो स्वामी जी इन गुणों का वर्णन बड़े विस्तार से किए गए हैं। नारद के मुख से पार्वती का जो गुणगान है, अद्भुत गुणगान नारद मुनि ने किया। गुणगान करते करते नारद मुनि ने कहा कि अनेक प्रकार की गुण हैं, उसमें गुणों की कमी नहीं है इस कन्या के अंदर, इतने गुण हैं कि ये पूरे विश्व का, संसार का पालन पोषण करने वाली ये कन्या है। गुणों का वर्णन करते हुए नारद मुनि ने अंतिम में कहा, अनेक गुण हैं लेकिन एक अवगुण है इसके अंदर। तो जैसे ही हिमालय ने सुना कि अवगुण, क्या ऐसा अवगुण है, कहीं हमारे पुत्री को कुछ हो ना जाए, आप बताइए। तो उस समय नारद मुनि ने कहा कि इस कन्या का के अंदर, जब इस कन्या का विवाह जब होगा तो मैं देख पा रहा हूं इसका विवाह इसके भाग्य में, भाग्य वाली बात सुन रहे थे ना, इसके भाग्य में जो इसका होने वाला जो पति है ना वो अगुण होगा, अमान मात पितु हीना। वो स्वामी जी कहते हैं अगुण अमान मात पितु हीना उदासीन सब संशय सीना। इसका मैं देख पा रहा हूं कि इसका होने वाला पति, ये होने वाला पति शिव को मत सोचिए, शिव जी नहीं है। नारद मुनि कह रहे हैं कि इसका जिससे विवाह होने वाला है वो अगुण होगा, अमानी होगा, उसके माता पिता नहीं होंगे और उदासीन रहने वाला होगा एकदम, उसके जीवन में दुख ही दुख होंगे, अनेक प्रकार के उसके जीवन में संशय ही संशय होंगे, ऐसा पति इसको मिलने वाला है। तो हिमालय, ये पार्वती की जो माता जो है मैना जो थी, बड़ी दुखी होने लगी कि मेरी पुत्री के भाग्य में ऐसा पति, ये अगुण अमानी इस प्रकार का होगा, बड़ा दुखी हो गई। और नारद मुनि को प्रार्थना करने लगे कि मेरी पुत्री इस प्रकार का, उसका विवाह अभी छोटी कन्या, लेकिन चिंता मां को तो आगे का होता है। नारद मुनि के वचनों को सुनकर जो है मैना बड़ी दुखी होने लगी और नारद मुनि से
जो है उपाय पूछने लगे कि इसका क्या उपाय है। नारद मुनि ने कहा कि देखो जो कर्म में है वो होने वाला है, जो भाग्य में है नहीं बदल सकते, खीर खाना लिखा है तो खाना पड़ेगा। कर्म को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन इस कन्या का अगर विवाह शिव के साथ हो जाए, इस कन्या का विवाह अगर शिव के साथ हो जाए तो दो इसके जीवन में जो दूषण है ना वो भूषण में बदल जाएगा, दूषण भूषण में बदल जाएगा। क्योंकि समर्थ कहो नहीं दोष गोसाई, गोस्वामी जी कहते हैं जो समर्थ होता है उसके अंदर जो दोष होता नहीं है, कोई दोष उसको प्रभावित नहीं कर सकता है। रवि पावक सुररार के नाही, जो शिवजी जो समर्थ हैं, इसलिए जब भी नारद मुनि ने कहा ना, नारद मुनि ने कहा कि इसका पति अगुण होगा, अमान मातु पितु, हमारे माइंड में क्या आया ये शिव होगा, लेकिन शिव नहीं थे। लेकिन यह अवगुण शिव के सामने दिखता है, लेकिन यह अवगुण दिखने के बाद भी शिव उससे प्रभावित नहीं है, क्योंकि समर्थ के नहीं दोष गोसाई, समर्थ के कोई दोष नहीं होता है। नारद मुनि ने कहा कि अगर इस पुत्री का, इस कन्या का विवाह शिव के साथ हो जाए ना तो इसका जीवन मंगलमय हो जाए, जितने भी अगुण होने वाला है वो सब सगुण में बदल जाएगा। तो तुरंत ही मैना ने कहा कि ऋषिवर शिव कैसे प्राप्त होंगे, बोला प्राप्त करने के लिए शिव को क्या करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा। छोटी सी कन्या थी, छोटी सी कन्या, जब इस कन्या को पता चला कि मेरा होने वाला पति अगुण होगा और मुझे शिव को प्राप्त करना है तो मुझे तपस्या करना पड़ेगा, जैसे ये बात उस कन्या को पता चला, बचपन से ही एक का पार्वती एक कन्या जो थी वो तपस्या करने लगी शिव को प्राप्त करने के लिए। उसने कहा कि मैं तपस्या करूंगी। मैना बड़ी चिंतित होने लगी, हिमालय भी चिंतित होने लगे कि मेरी पुत्री और ये तपस्या क्या है, ये कोई समय है तपस्या करने का। लेकिन पार्वती ने जीत का किया कि मैं तपस्या करूंगी और शिव को प्राप्त करूंगी। पार्वती ने निर्णय लिया तपस्या करने का, अनेक ऋषि आए, क्योंकि इस निर्णय को पार्वती बदल नहीं रही है, अनेक ऋषि आए और पार्वती को समझाए, पार्वती को समझाए, लेकिन पार्वती के जो डेडिकेशन जो है उसकी गंभीरता उसके निर्णय को देखकर सारे ऋषि ने कहा मैना और हिमालय को कि चिंता मत करो, इसका जो डेडिकेशन है जो है ये निश्चित रूप से इसको शिव की प्राप्ति कराएगा। सारे ऋषिगण मिलकर हिमालय और मैना को जो है उन्होंने सांत्वना दिया जय, और मन ही मन जो है इस पुत्री को आशीर्वाद दिया और पार्वती जो है तपस्या करने लगी। तपस्या जब कर रहे थे अनेक देवी देवता आए और पार्वती की परीक्षा लिए, ऐसा वर्णन है कि देवता लोग अलग अलग रूप में आकर पार्वती की परीक्षा ले रहे थे, लेकिन उस परीक्षा में पार्वती जो है खड़ी उतरी, और उसके बाद सप्त ऋषि आए और पार्वती को कहे कि चिंता मत करो, तुम जिस चीज को प्राप्त करना चाहते हो तुम्हें प्राप्त होगा। तो पार्वती को निश्चिंत किए, पार्वती की तपस्या जो है पूर्ण हुई, और ये पार्वती की तपस्या पूर्ण और जो है आगे चल के कैसे पार्वती को शिव जी प्राप्त होते हैं, समय हो गया ना। हमने सोचा था ऐसा कि आज शिव और पार्वती का विवाह कराएंगे, लेकिन समय हो चुका है तो शिव जी और पार्वती जी का आरती तैयार है, शिव जी और पार्वती का विवाह आरती की तैयारी प्लेट आगे लाया जाए, बस दो मिनट में हमें कथा समाप्त करेंगे।
पार्वती तपस्या कर रही है और यहाँ पे शिव जी भी, जब सती चली गई तो शिव जी की स्थिति क्या है, जब सती चली गई तो शिव की स्थिति का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते बड़ा सुंदर बात को बताते हैं कि सती को जाने के बाद शिव जी दूसरी शादी करने के विषय में नहीं सोच रहे। संसार का मनुष्य क्या सोचता है, एक पत्नी गई दूसरा शादी के विषय में सोचता है, लेकिन शिव जी सती के जाने के बाद बिल्कुल दूसरी शादी के विषय में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जब से सती जाई तन त्यागा तब से शिव मन भया हो विरागा। गाने का समय है। सती जाने के बाद जब से सती जाई तन त्यागा, सती ने तन अपने तन को त्याग किया है, तब से शिव मन भयो विरागा, वैराग्य को धारण किया और वैराग्य उत्पन्न। मानो शिव जी ये प्रस्तुत कर रहे एक आदर्श गृहस्थ के भांति कि जब भी जीवन में इस प्रकार का घटना घट जाता है तो हमको पूर्ण रूप से भगवान की शरणागति को ग्रहण करना चाहिए। और सती के जाने के बाद शिव जी ने क्या कहा, जपहि सदा रघुनायक नामा, जपहि सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण गाना, जह तह सुनहि राम गुण गाना, जपहि सदा रघुनायक नामा, जपहि सदा रघुनायक नामा। शिव जी जपने लगे, क्या भगवान का नाम जपने लगे, दो कार्य करने लगे। सती जी के जाने के बाद शिव जी दो ही कार्य, एक तो रघुनायक का नाम जप रहे हैं और रघुनायक का नाम जपना, और दूसरा कार्य भगवान राम की कथा को श्रवण करना। ये दो कार्य केवल मात्र शिव जी कर रहे हैं और ये दो कार्य करते करते भगवान रामचंद्र उनके सामने प्रकट होते हैं। भगवान रामचंद्र के प्रकट, शिव को दर्शन और शिव और पार्वती की विवाह, और विवाह कराने के पश्चात जो है हम कल भगवान राम का जन्म जो है कल उत्सव मनाएंगे, भगवान राम का भी जन्म का प्राकृतिक कथा, ये सारी कथाओं को जो हम कल श्रवण करेंगे। श्री राम कथा महामहोत्सव की, भगवान रामचंद्र की जय। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।